आज मैं सिंपल मसाले से ही आलू का चोखा बनाकर दिखाऊंगी दोस्तों, बिना प्याज लहसुन का। यकीन मानिए इतना टेस्टी और इतना अच्छा लगेगा आपको कि आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो मैंने सारे आलू को उबाल कर अच्छे से छील लिया है और इधर मैं चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई देख सकते हैं दोस्तों हमारे अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल में बना रही हूँ, आप जो ऑयल खाते हैं वो ले सकते हैं। तो मैं तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही ली हूँ क्योंकि आलू हमारा थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों आलू का चोखा बिना प्याज लहसुन का, एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। इसीलिए मैं आलू थोड़ा ज़्यादा ही ली हूँ। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें डाली हूँ जीरा, सरसों और सौंफ। सौंफ का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है दोस्तों, जब हम खाएंगे तो हम मुँह में आएगा तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा दोस्तों। तो सभी चीज़ अच्छे से चटक गए हैं दोस्तों। तो मैं इसमें डाली हूँ दो हरी मिर्ची और इधर मैं कूटा हुआ मसाले जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है, इसमें है धनिया, जीरा, सरसों, काली मिर्ची और एक सूखल मिर्ची दोस्तों, इसलिए मैं दो हरा मिर्ची डाली हूँ। उसके बाद नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर दोस्तों। मसालों को, सारे मसाले को हम अच्छे से एक मिनट तक भून लेंगे। तो हम और आलू को मैं इस तरीके से हाथों से मसल रही हूँ, देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से, इस तरीके से भी मैं मसली हूँ, पूरा अच्छे से नहीं हुआ है। और हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं दोस्तों, भून गए हैं। तो मैं इसमें डाली हूँ आलू उबला हुआ जिसको मैंने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद दोस्तों अच्छे से हमारे हाथ से मिक्स नहीं हुआ तो मैं इसको छन्नी से इस तरीके से तोड़ रही हूँ। उसके बाद अगर आपको छन्नी से नहीं हो रहा है दोस्तों तो आप इसे चलौना से भी इस तरीके से तोड़ सकते हैं, जो आप मिक्स करते हैं वही चीज़ से भी, उसी से मैं इसको चलौना से तोड़ रही हूँ दोस्तों। तो पहले मैं इसको अच्छे से मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि हमारे आलू के अंदर मसाला जा सके, नमक ये सब। तो देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से पहले भून लेना है, उसके बाद देख दोस्तों मैं इसको चलौना, हमारे गांव में इसे चलौना बोला जाता है, इसी से हम लोग दाल वगैरह साग वगैरह तोड़ते हैं। अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं दोस्तों तो आपको पता ही होगा मैं इसी से थुचकती हूँ इसको, बहुत ही अच्छे से मेस हो जाता है आलू आलू वगैरह जो भी इससे मेस करना होता है। तो हम इसको अच्छे से इस तरीके से दोस्तों हल्के हल्के, ज़्यादा इसमें नहीं लगता है दोस्तों, आसानी से हो जाता है। तो इसके बाद जब हो जाता है दोस्तों, जो नीचे इसमें चिपका हुआ रहता है इसको हम कलछी से इस तरीके से छुटा लेंगे, बहुत ही जल्दी अच्छे से आसान से छूट जाता है दोस्तों, ज़्यादा ही नहीं लगता है। तो इसी तरीके से मैं छुटाते जा रही हूँ और इसको इस तरीके से थांसते जा रही हूँ। तो देख सकते हैं सारे हमारे कढ़ाई से छूट गए हैं इस तरीके से, और हमारे चोखा भी देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से मेस हो गए हैं, सारा चलौना हमारे सारे चलौना में उठ रहे हैं इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। तो जो भी थोड़ा बहुत होगा वो आप देख सकते हैं, छन्नी से भी मैं घुरा रही हूँ तो जो भी थोड़ा बहुत चिपका हुआ है उसी अच्छे से हट रहे हैं। तो हमारा चोखा लगभग बनकर तैयार है दोस्तों। अगर आप इसमें हरा धनिया डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल मसाले में ही हमारा चोखा बनकर तैयार है दोस्तों, बिना प्याज लहसुन का। यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको दाल भात चोखा, रोटी पराठा, आप इसे पराठा भी बना सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगा वैसा बनाइए दोस्तों। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, फिर मिलता है अगला वीडियो में।